Hello everyone, in this video I will be discussing Bhavan Vidyalaya's Chandigarh periodic test 1 of class 8. Today this paper was conducted by Bhavan Vidyalaya Chandigarh and RN classes is just providing you with the video solution of the paper. So time for this paper was 1 hour and maximum marks was 20. Question 1 to question 4 carry 1 marks each. Question 5 to question 9 carry 2 marks each. Question 10 to question 11 carry 3 marks each. Right? So let's proceed on the question number 1. Question number 1 is find the value of the following. So iski value find out karte hain. 3 raised to the power minus 2 raised to the power minus 1 plus 3 raised to the power 0. अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. अब 3 रेज टू द पावर माइनस 2 रेज टू द पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर माइनस 2 इनटू माइनस 1. राइट, हमने क्या किया है, लॉ पढ़ा हुआ है. व्हाट इज द लॉ, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इनटू n. वापस क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई प्लस 3 रेज टू द पावर 0. अब समथिंग पावर 0 is 1, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, a raised to the power 0 is equal to 1, so 3 raised to the power 0 is 1. अब इसको फिर further simplify कर लेते हैं, 3 raised to the power minus 2 into minus 1 that is 2 plus 1, so 3 square is 9 plus 1 is equal to 10, answer is 10. Next question, question number 2, write the standard form a and b. दो पार्ट दिए हुए हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है. राइट, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 4681000000, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब अब डेसिमल यहां पे है, कहां पे शिफ्ट करना है हमें डेसिमल, यहां पे. राइट, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 4.68 इनटू 10 रेज टू द पावर, भाई डेसिमल जो है कितनी प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 टू द 7 प्लेसेस, तो यहां पे क्या आएगा, रेज टू द पावर 7. राइट, बी पार्ट 0.000732. अब डेसिमल कहां पे शिफ्ट करना है, यहां पे, ये था डेसिमल, यहां पे शिफ्ट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.32 इनटू 10 raised to the power. अब decimal जो है कितनी places to the right shift हुआ, 1 2 3 4, 4 places to the right, तो क्या होगा, minus 4. This is the standard form. Right, next question, question number 3, multiply 5 by 8 by the reciprocal of minus 3 by 8. 5 by 8 को multiply करना है minus 3 by 8 के reciprocal को, reciprocal के साथ. तो सबसे पहले माइनस 3/8 का रेसिप्रोकल लिखो भाई, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 3/8 क्या होगा, माइनस 8/3. ठीक है, अब कर दो मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करना है, 5/8 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 3/8 दैट इज माइनस 8/3, सो 8 से 8 कैंसिल आउट, दिस इज माइनस 5/3, आंसर करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रैशनल नंबर्स. तो सबसे पहले देखें व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. लेट्स टेक अ रैशनल नंबर, सपोज लेट्स टेक 3. राइट, अब 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर रिमेंस 3, क्या मल्टीप्लाई करूं, 1 ऑब्वियसली. राइट, सो 1 is called the multiplicative identity for rational numbers. This is multiplicative identity for rational numbers. Right? Similarly, for any rational number, let's say p by q is a rational number. अब इसमें मैं क्या multiply करूँ? Answer remains p by q. क्या करें multiply? 1. So, 1 is the multiplicative identity for all rational numbers. Right? Next question. Let's move on to the question number 5.
फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 7 बाय 11 रेज टू द पावर 3 इनटू 7 बाय 11 रेज टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 7 बाय 11 रेज टू द पावर 2m माइनस 1, राइट। अब हमें तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और m कहाँ पे है, पावर्स में। चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके लिखें। देखो यहाँ पे भी 7 बाय 11 है एंड यहाँ पे भी 7 बाय 11 है, तो बेसिस आर सेम। तो हमें जब बेसिस सेम होते हैं लॉज आता है, लॉ आता है ना, क्या आता है, ए रेस टू द पावर एम इज टू इंटू ए रेस टू द पावर एन, क्या हो जाता है, ए रेस टू द पावर एम प्लस एन। पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। जब बेस सेम हो गए तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, बेसिस आर सेम मतलब बेस क्या है 7 बाय 11, पावर्स क्या है 3 प्लस माइनस 6 हो गई ऐड, इज इक्वल टू 7 बाय 11 रेज टू द पावर 2m माइनस 1। अब 7 बाय 11, अब 3 प्लस माइनस 6, 3 माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 बाय 11 रेज टू द पावर 2m माइनस 1। सो 7 बाय 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 बाय 11 रेज टू द पावर 2m माइनस 1। अब क्या करें आगे, हमें तो m तक जाना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बेस है 7 बाय 11, यहाँ पे भी बेस है 7 बाय 11 और बीच में है इक्वालिटी। अगर इक्वालिटी में बेसिस सेम है तो पावर्स भी तो सेम होनी चाहिए, राइट। तो माइनस 3 इज इक्वल टू 2m माइनस 1, सो m की वैल्यू निकाल लो। अब माइनस 3 इसको ले जाओ इस साइड, प्लस 1 इज इक्वल टू 2m। अब लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है तुम लोगों को, सो दिस इंप्लाइज 2m इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, m इज इक्वल टू माइनस 1, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग। चलो ए पार्ट देखो, क्या दिया हुआ है, 3 रेज टू द 3 बाय 4 इंटू माइनस 8 बाय 13 इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 13 इंटू 3 बाय 4। अब क्या करें, देखें यहां पे है 3 बाय 4 इंटू माइनस 8 बाय 13, यहां पे 8 बाय 13 इसकी पोजीशन में चला गया 3 बाय 4 की पोजीशन में, एंड 3 बाय 4 किसकी पोजीशन में आ गया, माइनस 8 बाय 13 की पोजीशन में, राइट। तो हमने क्या करा, पोजीशंस को कम्यूट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तो बहुत इजी था, है ना। चलो बी पार्ट देखते हैं। अब बी पार्ट में दिया है 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 4 प्लस 7 बाय 9, इधर ब्रैकेट लगा दी, इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 4 प्लस 7 बाय 9, फिर यहां पे ब्रैकेट लगा दो। इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड देखो, 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 4 को पहले एसोसिएट किया, उसमें 7 बाय 9 ऐड कर दिया, और यहां पे 1 बाय 2 को छोड़ दिया, 7 बाय 4 प्लस 7 बाय 9 को 3 बाय 4 प्लस 7 बाय 9 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, और 1 बाय 2 उसमें ऐड कर दिया। तो पहले इन दोनों का एसोसिएट किया था, अब इन दोनों का एसोसिएट किया, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इवेल्युएट यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इवेल्युएट करने के लिए लॉज को यूज करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसको ठीक करके लिख लेते हैं। देखो एक ही लाइन में मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। देखें मैं इसको लिख सकती हूँ 11 स्क्वायर इंटू 11। अब इसका क्या मतलब है, इस पूरे से 11 क्यूब क्या हो रहा है, डिवाइड, और होल पावर 3, यही मतलब है इसका, है ना। चलो अगला स्टेप देखो, न्यूमरेटर में बेसिस क्या हो गए, सेम, इसकी पावर क्या है 1, तो बेसिस क्या हो गए, सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 11 रेज टू द पावर 2 प्लस 1, नीचे 11 रेज टू द पावर 3 एज इट इज एंड होल क्यूब, राइट। अच्छा यहाँ पे लॉ लिखो, उन्होंने बोला है लॉज का यूज करना है, तो लॉ को मेंशन भी करना पड़ेगा। क्या लिखा हमने, ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम प्लस एन, यही वाला लॉ लगाया,
चलो अब यहाँ पे लगाया ये लॉ, इसके सामने लिख देना है। अब ये क्या बना, 11 raised to the power 3, ये भी 11 raised to the power 3, 3। अब क्या करें, फर्दर 11 cube से 11 cube कट नहीं कर देना, उसने लॉस बोला लगाने के लिए, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, याद करो a raised to the power m, बेसिस सेम है, a raised to the power, अच्छा वैसे हम a raised to the power n क्या होगा, a raised to the power m minus n, ठीक है। अब इस पे भी तो लगा सकते हैं, a raised to the power 3 minus 3 raised to the power 3 is equal to 11 raised to the power 0 raised to the power 3, क्या बना 11 raised to the power 0, आंसर क्या आ गया 1, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड द सम ऑफ -13/5 and 12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 and -1/2, राइट। चलो अब पहले सम निकाल लेते हैं, डिवाइड करना है ना, उसके लिए सम तो चाहिए हमें, -13/5 + 12/7, ठीक है। क्या करोगे, एलसीएम लो, एलसीएम इज 35, 5 7 = 35, 7 × -13 दैट इज -91, प्लस 7 5 = 35, 5 × 12 दैट इज 60, सो दिस बिकम्स -31/35। सम निकाल लिया, अब हमें प्रोडक्ट भी चाहिए तो प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं, प्रोडक्ट -31/7 × -1/2, सो दिस इज 31/14। अच्छा क्या करना है, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो 31 - 31/35 / 31/14, ठीक है। तो अब -31/35 एज इट इज, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, क्या करोगे, रेसिप्रोकेट 14/31, ये हो गया कैंसिल आउट, राइट। अब ये 7 से हो जाएगा, 7 2 = 14, 7 5 = 35, सो आंसर इज -2/5, ठीक है। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज सिंप्लीफाई यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। चलो अब देखें, ये दिया है 1/2 raised to the power 2 into 1/3 raised to the power -4 into 3 raised to the power -1 into 6 raised to the power -1, राइट। चलो अब इसको पहले ये वाली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखें, 1/2 × 2^3, पावर्स क्या हो जाएंगी यहाँ पे, मल्टीप्लाई दैट इज 2 × 3 दैट इज 6, कौन सा लॉ लगाया हमने, a raised to the power m की पावर n दैट इज a raised to the power mn, ठीक है। अब इंटू 1/3 raised to the power -4 × 3 raised to the power -1 × 6 raised to the power -1, अब इसको फिर से फर्दर लिख लें, अब ये है 1/2 raised to the power 6, कैन आई राइट दिस 1 raised to the power 6 and 2 raised to the power 6, राइट। क्या किया, a upon b raised to the power m is equal to a raised to the power m upon b raised to the power m, ठीक है, ये भी लॉ अप्लाई कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली 1 raised to the power -4 and 3 raised to the power -4 into 3 raised to the power -1 into, अब यहाँ पे देखो 6 raised to the power -1 है, क्या हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, बिल्कुल। 6 को कैसे लिखें, अब 6 की पावर -1 है, -1 तो हमने लगा दिया, अब 6 को लिखे कैसे, 2 × 3, क्लियर है। नेक्स्ट, तो 1 raised to the power 6 2 raised to the power 6 into 1 raised to the power -4 and यहाँ पे आया 3 raised to the power -4 into 3 raised to the power -4 into, अब इसको देखें 2 × 3 raised to the power -1, मतलब 2 raised to the power -1 into 3 raised to the power -1, यहाँ पे क्या किया हमने, a × b raised to the power m, ये फ्लॉ लगाया है, इज इक्वल टू a raised to the power m × b raised to the power m, ठीक है। अब आगे क्या करें, ये बना हमारे पास 1 raised to the power 6 upon 2 raised to the power 6 into 1 raised to the power -4, चलो न्यूमरेटर लिख लेते हैं, into 3 raised to the power -1 2 raised to the power -1 3 raised to the power -1, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 3 raised to the power -4।
अब न्यूमरेटर में देखो, यहां वन यहां वन, बेसिस सेम, पावर्स क्या होंगी, एट इंटू यहां पे थ्री यहां पे थ्री, बेसिस सेम, पावर्स क्या होंगी, एट इंटू टू रेस टू द पावर माइनस वन एज इट इज, और यहाँ पे टू रेस टू द पावर सिक्स इंटू थ्री रेस टू द पावर माइनस फोर। यहाँ पे भी लॉ मेंशन कर देना, ए रेस टू द पावर एम इंटू बी रेस टू द, सॉरी ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम प्लस एन। देखो यूज ऑफ लॉज लिखा है तो मतलब आपको लॉ भी मेंशन करने पड़ेंगे साथ साथ में, ठीक है। अब चले, वन रेस टू द पावर सिक्स माइनस फोर टू इंटू थ्री रेस टू द पावर माइनस वन माइनस वन, या माइनस टू, या टू रेस टू द पावर माइनस वन अपॉन टू रेस टू द पावर सिक्स इंटू थ्री रेस टू द पावर माइनस। फर्दर अब वन स्क्वायर तो वन ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखो, थ्री रेस टू द पावर माइनस टू यहाँ पे है, थ्री रेस टू द पावर माइनस फोर डिनोमिनेटर में, तो बेसिस सेम, पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट कर दी, इंटू टू रेस टू द पावर माइनस टू माइनस वन, यहाँ पे टू प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में टू प्रेजेंट है, तो क्या होगा, माइनस माइनस सिक्स। सो दिस बिकम्स थ्री रेस टू द पावर माइनस टू प्लस फोर दैट इज टू इंटू टू रेस टू द पावर माइनस वन प्लस सिक्स दैट इज फाइव। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर टेन इज फाइंड द वैल्यू यूज प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है और इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखते हैं, वन बाय टू इंटू सेवन बाय फोर माइनस इलेवन बाय एट इंटू वन बाय टू प्लस थ्री बाय फोर इंटू वन बाय टू, ठीक है। अब कैसे करें प्रॉपर्टीज का यूज, सबसे पहले देखो कितनी टर्म्स है यहाँ पे, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, राइट। अब तुम तीनों टर्म्स को ध्यान से देखो, वन बाय टू इधर भी प्रेजेंट है, वन बाय टू इधर भी प्रेजेंट है, वन बाय टू इधर भी प्रेजेंट है, क्लियर है। अब इन दो टर्म्स में तो वन बाय टू पीछे की तरफ प्रेजेंट है और इस टर्म में वन बाय टू आगे की तरफ प्रेजेंट है, तो क्यों ना मैं इसको भी पीछे की तरफ लिख लूं। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों की प्लेसेस को क्या कर दूंगी, इंटरचेंज। तो मैंने क्या लिखा, सेवन बाय फोर आगे लिख लिया, वन बाय टू पीछे लिख लिया, माइनस इलेवन बाय एट इंटू वन बाय टू प्लस थ्री बाय फोर इंटू वन बाय टू। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, कम्यूटी तो किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे थे दोनों नंबर्स, तो इस पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है। अब क्या करें भाई, वन बाय टू इधर भी है, वन बाय टू इधर भी है, वन बाय टू इधर भी है, कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वन बाय टू बाहर निकाल लिया। अच्छा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो अब वन बाय टू फर्स्ट में से बाहर निकाला, क्या बचा यहाँ पे, सेवन बाय फोर, माइनस वन बाय टू यहाँ से बाहर निकाला, क्या बचा, वन बाय एट, प्लस वन बाय टू यहाँ से बाहर निकाला, क्या बचा, थ्री बाय फोर। सो दिस इज एट एलसीएम, अंदर क्या बचेगा, फोर टू जा एट फोर्टीन, माइनस इलेवन प्लस सिक्स इंटू वन बाय टू, तो ये बना फोर्टीन माइनस इलेवन दैट इज थ्री प्लस सिक्स दैट इज नाइन, नाइन बाय एट इंटू वन बाय टू, सो दिस बिकम्स नाइन बाय सिक्सटीन आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन, सिंप्लीफाई यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इसको भी लॉज लगा के सिंप्लीफाई करना है, अब कैसे करें। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे 343 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 16 है। अब जब तक बेसिस सेम नहीं होते तब तक हम लॉज का ज़्यादा
फायदा नहीं उठा सकते। तो सबसे बड़ा टारगेट हमारा यही है कि बेसिस को सेम कर देते हैं, मतलब उसको लोएस्ट बेस में कोई नंबर है, कोई नंबर है उसको लोएस्ट बेस में क्या लिख सकते हैं वो लिख देते हैं। अच्छा 343 को कैसे लिख सकते हो आप, 7 का क्यूब होता है ये, ठीक है, इंटू, अच्छा 7 raised to the power -2 तो एज इट इज ही रहेगा, इंटू 2 raised to the power 6 तो एज इट इज रहेगा, अपॉन 7 raised to the power -1 एज इट इज रहेगा, इंटू 16 को कैसे लिख सकते हो, अच्छा 4 का स्क्वायर तो है ही पर यहाँ पे 2 प्रेजेंट है हमारा न्यूमरेटर में 2 की पावर, तो 16 को भी 2 की पावर में लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखें 2 raised to the power 4, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखो बेसिस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 3 plus -2 इंटू 2 raised to the power 6 अपॉन 7 raised to the power -1 इंटू 2 raised to the power 4, यहाँ पे कौन सा लॉ लगाया हमने, a raised to the power m इंटू a raised to the power n इक्वल टू a raised to the power m+n। अगेन अब देखो 7 की पास यहाँ पे है, 7 की पास यहाँ पे है, तो बेसिस सेम, बीच में डिवाइड लॉ लग जाएगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे पहले ये 3 - 2 क्या बन गई थी 1, ठीक है, और ये माइनस होके माइनस आ गया, इंटू 2 raised to the power 6 -4, कौन सा लॉ लगाया a raised to the power m अपॉन a raised to the power n इज इक्वल टू a raised to the power m-n। सो ये आगे क्या बन जाएगा 7 1+1 इंटू 2 6 -4, तो 7² इंटू 2 raised to the power 2, तो ये बना 49 इंटू 4 दैट इज 196 सर, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन ऑफ दिस पीरियोडिक टेस्ट, थैंक यू।